दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डाइनिंग एरिया और किचन को टैकल करने वाले हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, थोड़ा सा डेकोरेट। स्पेशली मैं डाइनिंग एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे हमेशा से ही ना किचन में ओपन शेल्व्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे क्रॉकरी होते हैं, उसको अगर आप डिस्प्ले करो तो कितना ज़्यादा प्रिटी लगता है। और फुल ऑन इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं जब भी किसी शेल्व्स को सजाने की, ऑर्गेनाइज एंड डेकोरेट करने की बात आती है। तो हमारे किचन में तो ओपन शेल्व्स थे नहीं, पर जो डाइनिंग स्पेस का वॉल है हमारा, जब मैंने इस घर की पिक्चर देखी थी, मैंने तभी विजुअलाइज किया था डाइनिंग टेबल के अपोजिट जो वॉल है, जो कि एक एक्सटेंशन है किचन का, वहाँ पे हम ओपन शेल्विंग करेंगे। क्योंकि वैसे भी पिक्चर फ्रेम्स हर एक जगह नहीं अच्छी लगती है, इस तरह के क्रिएटिव आइडिया से हम अलग सा एक लुक क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, क्योंकि हमारे किचन में ऑलरेडी जो चीज़ें हैं हम उसी को यूज़ करने वाले हैं शेल्व्स को डेकोरेट करने के लिए। ये शेल्व्स हमने आइकिया से लिए हैं, अनुज ने ऑलरेडी लगा दिया है, और ये वाला लाइट भी हमने आइकिया से लिया। डाइनिंग एरिया के स्पेस के लिए मेरा एक विजन है, वार्म, कोजी, एक कैफे स्टाइल लुक क्रिएट करना चाहती हूँ मैं। लेट्स सी हम कितने सक्सेसफुल होते हैं। शुरुआत करेंगे इन शेल्व्स के साथ, एंड आई एम श्योर आप लोग जब इस शेल्फ को देखोगे तो हर एक का एक अलग तरीका होगा इन शेल्व्स को सजाने का, डेकोरेट करने का, और यही तो खूबसूरती होती है होम डेकोर की, हर एक नज़र का एक अलग नज़रिया। टेबल क्लॉथ के लिए मैं ये जूट वाला टेक्सचर यूज़ कर रही हूँ। जब भी किचन शेल्व्स को डेकोरेट करने की बात आती है, कलर कॉम्बिनेशन, टेक्सचर, इन सब का एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से ब्लेंड होना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है उस स्पेस को एक वार्म्थ देने के लिए। तो मेरा कलर कॉम्बिनेशन है वाइट एंड ब्लू, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वुडन टेक्सचर, रेटैन, डेफिनेटली प्लांट्स और सेरेमिक यूज़ किया है। आपको पता ही है हमारे किचन में खूब सारा ब्लू है, तो बस उसी का यूज़ किया गया है। अभी के लिए मुझे ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा। विथ टाइम मैं डेफिनेटली चेंज करती रहूँगी। हम और भी प्लांट्स ऐड कर सकते हैं, हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, धनिया, पुदीना, मेथी, छोटे छोटे पॉट्स में, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेंगे, आँखों के लिए बहुत सूदिंग होगा। और ये ना सबसे बेस्ट एंड अफोर्डेबल वे होता है किसी भी स्पेस को रिफ्रेश करने का। आपको नए फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है, आपको नए क्रॉकरी की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जस्ट थोड़ा सा इन शेल्व्स को चेंज करो, डिफरेंटली डेकोरेट करो, पूरे स्पेस को एक नया लुक मिल सकता है। ओपन शेल्विंग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम क्लीनिंग का कैसे ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पे जो भी क्रॉकरी मैंने यूज़ की है वो सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए है, हम एवरी डे इनको यूज़ नहीं करेंगे। वीक में 10 डेज में मैं इनको वॉश कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। आई नो थोड़ा सा काम बढ़ेगा, बट वीक में 10 to 15 मिनट्स एनफ होगा इस एरिया को क्लीन करने के लिए। और जो हैप्पीनेस एवरी डे मिलेगी दैट्स प्राइसलेस। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, कुछ भी फ्री में नहीं आता। तो दिस इज़ समथिंग मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी, तो इसके लिए अगर मुझे 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा क्लीनिंग के निकालना भी पड़े दैट्स परफेक्टली ओके। अभी मैंने सिर्फ इस तरफ वाला काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज किया है, और ट्रे में सारा कुछ रखो ना तो चीज़ें क्लटर्ड नहीं लगती, अच्छे से संभली हुई रहती हैं। सारी चाय वाली चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, और जो स्पैटुला एवरीडे कुकिंग के लिए यूज़ आती है कलर ऐड करने के लिए, वो येलो जग मैंने एज अ यूटेंसिल होल्डर यूज़ किया है। और इस वाले कॉर्नर में मैंने ऑयल, घी, सॉल्ट, ये सारा कुछ रखा है। और ये रहा हमारा पहला मनी प्लांट बेबी। वहाँ पे तो हमारे पास कितने सारे मनी प्लांट बेबीज थे ना, तो एक प्लांट लेके आई थी मैं आइकिया से, तो उसी से छोटा सा स्टेम कट किया है। और अब धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे बेबीज आ जाएंगे मनी प्लांट के। पैंट्री मैंने कल ही ऑर्गेनाइज कर ली थी, काफ़ी सारे बॉक्सेस थे ग्रोसरीज के जो ओपन नहीं हुए थे, अब किचन के सारे बॉक्सेस मैंने एम्प्टी कर लिए हैं, सब डन हो चुका है। और कल पूरा दिन लग गया पैंट्री को ऑर्गेनाइज करने में। अभी तो बहुत सारी ग्रोसरीज हैं नहीं, पर जो भी ग्रोसरीज हैं वो सारी मैंने फिल कर ली है। सबसे ऊपर वाले सेक्शन में मैंने सारी दालें रख दी हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सॉस एंड ऑल। बड़ा सा जार रखा है, ये भी एक्स्ट्रा राइस है। बड़े वाला जो इंस्टेंट पॉट है वो है जो कभी कभी यूज़ होता है, तो उसको भी ऊपर रख दिया है। यहाँ पे सारे बेसिक मसाले हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, सारे नट्स यहाँ पे है। यहाँ पे छोटा सा स्पेस था तो अभी के लिए मैंने लिड होल्डर यहाँ पे रख दिया है। ये सारे एक्स्ट्रा जार्स हैं, वो रखने के बाद भी काफ़ी सारा स्पेस है। कुकीज़ हैं, कुछ स्नैक्स हैं, सारे ये बॉक्स वाले जो मसाले होते हैं वो हैं, अदरक लहसुन। अदरक मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक वाला जो लाती हूँ ना वो बहुत ड्राई होता है, तो वो ईजिली बाहर रह जाता है, ख़राब नहीं होता है। ये हैं अगेन मसाले, ये सारे हैं ब्रेकफस्ट आइटम्स। अभी मुझे इसमें बेसन लिखना है, मुझे अपना चौक मारकर मिल नहीं रहा है। और नीचे बास्केट्स में मैंने सारी एक्स्ट्रा ग्रोसरीज रख दी हैं, ये हैं राइस के पैकेट्स, ये है पास्ता का पैकेट। मेरे पास दो स्टील वाले जार्स थे तो इसमें आटा रखा है और उसमें राइस। पैंट्री एक्चुअली काफ़ी स्पेशियस है, अभी तो एक दो रैक को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया भी नहीं है, उसमें सिर्फ एम्प्टी जार्स, ट्रेज एंड ऑल हैं जिसको कहीं और रखूँगी मैं। और ये सारे कैबिनेट्स जो है ना, इनके जो टॉप शेल्फ हैं वो सारे एम्प्टी हैं अभी, ऊपर है तो मैंने कुछ रखा ही नहीं। बट अगर इस किचन के सारे स्पेस को अच्छे से यूज़ करना है ना, तो कोई लैडर या स्टूल तो मुझे रखना ही होगा। और जो भी चीज़ें हम फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं वो मैं टॉप शेल्फ पे रख सकती हूँ। तो अभी तो फुली ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी टाइम लगेगा, धीरे धीरे करूँगी। तो
सो फार जितना भी ऑर्गेनाइज हुआ है आई एम हैप्पी विद इट. चीजें फंक्शनल हो गई हैं, सारी चीजें इजीली मिल जा रही हैं. अभी तक स्पेस को एंजॉय करने का हमें टाइम नहीं मिला है. इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट एनीवेज आई एम श्योर सून, वेरी सून, मैं और आप यहीं पे बैठ के आराम से बातें करेंगे और तसल्ली वाली चाय इंजॉय करेंगे. तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इंजॉय किया होगा. मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी. तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज.